नमस्कार। जिंदगी जीना और जिंदगी बिताना ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। तो आपको जिंदगी बितानी नहीं है, जिंदगी के हर एक दिन को जीना है। और जी तब पाएंगे जब ढंग से हो आपकी प्लानिंग, और प्लानिंग तब कर पाएंगे जब आपका और आपके तारे का होगा साथ, जो अभी भी आपके साथ बना हुआ है। और इस साथ में आपका साथ दे रहे हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आपको आज के दिन के लिए भी सिखाएंगे कि आप आज के दिन को कैसे जिए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके आज के दिन का सारा हिसाब किताब लेकर हाजिर हैं ज्योतिष गुरु आपके सामने, आपको बताने के लिए कि कैसे आप करें अपने आज के दिन को प्लान। लेकिन उससे पहले जानेंगे पंचांग। आज 20 नवंबर 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है दोपहर 1:41 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। मघा नक्षत्र है रात 8:04 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज गंडमूल समाप्त हो रहे हैं रात 8:04 पर। बुध मार्गी हो रहे हैं देर रात 12:42। तो मेष और वृषभ, तैयार हो जाइए, आपका दिन आपके सामने आने जा रहा है और उसके बाद आपकी सारी तैयारी क्या करें क्या ना करें के साथ। मेष राशि वालों ने अपनी कोशिशों को बढ़ाने की कोशिश की है, पर अपने ज्ञान और अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है, जिसे सुधारना होगा। आपको अपनों का समर्थन और साथ भी मिला रहेगा, जिस वजह से आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। इससे आपका भविष्य भी बनेगा। क्या करना चाहिए समय में? आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं और बहुत कुछ सीखना भी चाह रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है। आपके प्रयास अच्छे हो सकते हैं, पर उसमें भी नियमितता की कमी है। लोगों के मन में भी आपके खिलाफ इसी वजह से बहुत कुछ चल रहा है, जिसे संभालने की जरूरत है। रिश्तों को भी संभालना है, पर साथ ही साथ जिंदगी में कुछ पाने के लिए अपनी मेहनत की दिशा को भी सही करना। क्या ना करें समय में? सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। जब वक्त बीत जाए तो तकलीफ होती है, इसलिए अपने कीमती समय को गंवाएं नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी चिंताओं का कारण बना हुआ है, पर आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हर कुछ आपके खिलाफ ही चल रहा है। काम काज से जुड़े दबाव भी इसी वजह से बने हुए हैं, क्योंकि आपका ज्यादा समय रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को संभालने में लगा हुआ। क्या करना चाहिए समूह में? अपनों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी, पर साथ ही साथ अपनी जिंदगी की बाकी प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। काम या कारोबार से जुड़े दबाव हम सबके लिए बने रहते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखने से अपनी मुश्किलों को भी आसानी से संभाला जा सकेगा। क्या न करें समूह में? अपने पैसे को कहीं भी फंसाएं नहीं, इसलिए इस बात को समझ लें कि पैसे से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर करें। जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी छुपी हुई नुकसान की स्थिति हो सकती है, इसलिए अपने पैसे को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति बनाए रखना भी ठीक नहीं। ठीक है, अपने पैसे को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति मत रखिएगा अपने अंदर। सवाल लेते हैं। सवाल है सौरव भंडारी का। डेट ऑफ बर्थ 17/4/1998, 2:45 शाम को इनका जन्म हुआ है, मथुरापुर वेस्ट बंगाल जी। अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, ये है इनका सवाल। सौरव, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की 2021 तक। कब तक अच्छी जॉब मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, ऐसा एक समय चल रहा है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है अब से लेके आने वाले 3 महीने, तो ये इस वजह से भी अच्छा है कि यहाँ पे जॉब भी मिल रही है, कैरियर की अच्छे से एक शुरुआत भी हो रही है, तो इससे जुड़ जाना चाहिए और फिर इसी से जुड़ के आगे अपनी कैरियर को बनाए रखने की और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले 3 महीने में जॉब लग सकती है, तो करियर की शुरुआत करने का बिल्कुल सही समय है आपके लिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे हम भी सवाल के साथ। सवाल है जिन्होंने पूछा है राजेश कथूरिया, इनका नाम है। इनकी पत्नी के साथ इनका एक कोर्ट केस चल रहा है। फिलहाल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 19/9/1964, इंदौर में जन्म हुआ, 3:39 पर। वाइफ की डिटेल्स भी भेजे। इनका कहना है कि इनकी जो सरोगेट डॉटर हैं वो भी अब प्रॉपर्टी क्लेम कर रही हैं, उनके भी डिटेल्स हालांकि इन्होंने भेजे हैं। जानना ये चाहते हैं कब तक इन तमाम केसेस से ये फ्री हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे, जो और जिंदगी में जो ये बहुत सारी उलझने चल रही हैं इनसे कब तक निपट पाएंगे।
बहुत कुछ उन्होंने और भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। समझना ये जरूरी है समय कि ये इन कोर्ट कचहरी के चक्करों से कब तक मुक्त हो सकते हैं। राजेश जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और कुंभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा भी चल रही है बुध की जनवरी 2021 तक। मुश्किल भरा समय है। आपने कहा 16 वर्षों से आप केसेस से जूझ रहे हैं, आपकी पत्नी से आप अलग हो गए, आपकी एक्स वाइफ के साथ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ राजेश जी आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का भी ऐसा इशारा है। कब तक आप इन परेशानियों से जूझते रहेंगे? 16 वर्ष तो हो चुके हैं, 55 वर्ष की आपकी आयु है, कब तक परेशान होते रहेंगे? अभी अगर जो ले दे के फैसला कर लेंगे उससे एक फायदा ये होगा कि अब से 1.5 साल के बाद कम से कम आप अपनी जिंदगी को सुकून से जी पाएंगे, इसलिए ये प्रयास आपको अभी आने वाले 1.5 साल में कर लेना चाहिए। राजेश जी, वक्त के साथ साथ कभी कभी हमें समझौते करने पड़ते हैं, और आपके लिए जो राय निकल कर आ रही है वो ये कि आप समझौते की दिशा में अगर आगे बढ़ें तो आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है अब से 1.5 साल बाद। तो आपको समझना है समझौते के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी है या उलझते रहना है। सलाह यही है कि सुलझाने की दिशा में आप आगे बढ़ें, 1.5 साल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे हम, और अब मिथुन और कर्क आपके बारे में जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को लोगों पर भरोसा करना होगा, पर पहले से बनाई हुई लोगों के प्रति नकारात्मकता को भी हटाना पड़ेगा। ये समय ही ऐसा है जिसमें लोगों से तालमेल बनाए रखने से फायदा हो सकता है। रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जो भी आलोचना मिल रही है उसके पीछे छुपे हुए कारणों को समझें। उसमें आपका कम होता हुआ रुझान भी है जो आपको रिश्तों के प्रति बनाए रखना होगा। चाहे कोई प्यार का रिश्ता हो या कामकाज के क्षेत्र में आपके साथी सहयोगी हो, किसी से भी इस समय उलझते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों की उस अच्छाई को समझने में कोई कमी ना रखें जो उनकी ओर से आपके प्रति और आपके काम के प्रति बनती चली जा रही। जिंदगी में कभी कभी लोगों की अच्छी बात को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए हर एक के विचारों में कमियां ना ढूंढते चले जाए। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि लोगों की जो बात आपको बहुत अच्छी लग रही है उसके पीछे भी छुपा हुआ कोई ना कोई तकरार हो सकता है, इसलिए ऐसा ना सोचें कि जो कहा जा रहा है वही सही है। जैसे हर बढ़ा हुआ हाथ दोस्ती का नहीं हो सकता, वैसे ही हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी जिंदगी में खुशी ही ले आए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए चेहरों को पढ़ने की आदत डाल। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति सुंदर बनी हुई है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को भली भांति समझ पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा विकल्प उभर कर आ सकता है जो आपकी जिंदगी में किसी नए रिश्ते को लेकर आ जाए। क्या ना करें समय? अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का तकरार ना बढ़ने दें, कोई ऐसा मुद्दा भी ना उठाएं जो किसी बहस में परिवर्तित हो जाए और आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। ऐसा कोई मुद्दा मत उठाइए जो बाद में बहस में परिवर्तित हो जाए और फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। सिंह और कन्या राशि, देखिए किसी भी तरह की मुश्किल तो आपके सामने इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप तक मुश्किल पहुंचे, हम आपको उस मुश्किल से दूर रहने का तरीका बता देते हैं। देखिए आपका आज का दिन कैसा है, क्या करना है आज के दिन, कैसे प्लान करना है। सिंह राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों की पहले बनी हुई रुकावटों को अब ज्यादा अच्छे तरीके से समझना और संभालना भी आसान हो जाएगा, पर मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की दुविधा को पूरी तरह से हटाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखें, अपनों के प्रति समर्पित रहें ताकि उनकी हर तरह की जरूरत आप पूरी कर सकें। अपनों के सहयोग से आपके कामकाज की स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की उन रुकावटों को नजरअंदाज ना करें जो आपकी पढ़ाई लिखाई की दिशा में बनी हुई। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके लिए लगातार पढ़ाई की ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। किसी बड़े इम्तिहान में सफलता भी मिल सकती है, इसलिए उन रुकावटों की वजह से आप कहीं घबरा ना जाए। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है। हमारी सोच से ही हमारी मेहनत उभरती है और फिर उपलब्धियों का रास्ता खुलता है, इसलिए अपने विचारों को इतना सकारात्मक बना लें कि आप अपने आसपास की हर अच्छाई को देख सकें। क्या करना चाहिए समय? किसी यात्रा का विचार हो सकता है आपके मन में, और उस प्रयास के अच्छे नतीजे मिले ये भी बहुत हद तक संभव है, पर जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होते चले जाने से भी बचना होगा क्योंकि उसी में आपका कोई ना कोई नुकसान भी छुपा हुआ है। क्या ना करें समय में? आपके प्रति जो लोगों की अच्छाई बन रही है उसमें गलतियां ना निकालें,
हो सकता है आपको लगे कि लोग आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का दबाव बना रहे हैं, पर ऐसा सोचना और लोगों से मतभेद बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। देखिए, लोगों से किसी भी तरह के मतभेद बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिलहाल सवाल लेना होगा, सवाल है गोपाल माली का, 4/4/1997, 10:18 सुबह इनका जन्म हुआ है जोधपुर में। कब तक अच्छी जॉब लगेगी, कब तक शादी होगी, ये दोनों चीजें। गोपाल, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की जून 2020 तक। आपने पूछा कब आपको जॉब लगेगी और शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, हर इंसान के मन में होते हैं। मार्च अप्रैल 2020 में आपकी जॉब लग सकती है, उस जॉब को ले लेना चाहिए क्योंकि आगे चल के या अगस्त सितंबर 2021 में अच्छा समय है जब जॉब में ग्रोथ मिल सकती है, तरक्की हो सकती है। तो ये तो हुआ कैरियर। जहाँ तक शादी की बात आपने पूछी तो फरवरी मार्च 2022 में आपकी शादी का योग बनता है, आपकी इच्छा की शादी हो सकती है, लेकिन उस अपनी इच्छा की शादी को बनाने के लिए, उसे प्लान करने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है, इस बारे में भी आपको पहले से सोचना। देखिए, मार्च अप्रैल 2020 में आपकी नौकरी लग सकती है, 2021 में तरक्की भी दिखाई दे रही है, 2022 में शादी का समय जरूर है, लेकिन अगर अपनी मन की शादी आप करना चाहेंगे तो उसमें कुछ मुश्किलें होंगी जिनका सामना करने के लिए फिर आपको तैयार रहना होगा। सवाल लेते हैं, सवाल है भारती संजय इखार का, 25/5/1975, 5:45 शाम को इनका जन्म हुआ है अकोला महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से आपके तारे देख रही हैं, आपका मार्गदर्शन बहुत सुकून देता है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग एतराज़ करते हैं उनको बताइए कि आपके तारे कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला शो नहीं है, ये ज्योतिष जो विज्ञान है उसके आधार पर ही हम आपको सही सलाह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सवाल ये है कि 3 साल पहले तक जॉब करती थी, घर की जिम्मेदारी की वजह से इनको जॉब छोड़नी पड़ी, अब उन जिम्मेदारियों से फ्री हो गई हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो क्या कोई जॉब मिल सकती है, बिजनेस के बारे में सोचें। भारती जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और वृश्चिक राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की सितंबर 2022 तक। 2017 में घर की जिम्मेदारियों की वजह से आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ दी, अब जॉब करना चाह रही हैं पर जॉब नहीं। ये देखिए, परिस्थितियां हम सब से ये खेल खिलाती हैं, जॉब छोड़नी नहीं चाहिए लेकिन परिस्थितियां ऐसा करा देती हैं, आज जॉब है नहीं इसलिए जॉब चाह रही हैं, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, मुश्किल बात है। 2021 में आपको जॉब मिल सकती है, अब से 1.25 साल के बाद। उसकी अच्छाई ये भी है कि 2024 से आपको कैरियर में ग्रोथ भी मिल सकते हैं, आपको कैरियर और आगे बढ़ सकता है, पर 1.25 साल इंतज़ार करना आपके लिए मुश्किल है, कोशिश अभी से कीजिए लेकिन 2021 से कैरियर बन जाएगा, चिंता मत। अब से 1.25 साल बाद आपको जॉब मिल सकती है, तो ठीक है, ज़िंदगी में आपने जो किया उस समय की प्राथमिकता थी, लेकिन अब आगे आपको अपने करियर के बारे में सोचना है और उसका अच्छा वक्त 1.25 साल बाद आपको मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे तुला वृश्चिक राशि आपकी, तो देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की आज के दिन के लिए। तुला राशि वालों को अपनी मेहनत पर भरोसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से ही आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। जिंदगी में इसी तरह की अच्छाई बनाए रखने से फायदा होता है, किसी भी प्रयास में अपना भरोसा बनाए रखने से ही आपकी उपलब्धियों के द्वार खुलते हैं। क्या करना चाहिए, पैसे की स्थिति ठीक है और अपने पैसे को बचत के रूप में कहीं अच्छे निवेश में भी लगा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए आपको अपने पैसे से जुड़े दबाव को संभालना होगा और रोजमर्रा के खर्चों को थामे रखने की कोशिश भी करनी होगी। थोड़ी सी योजना बनाने से आपके कदम सही दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। क्या ना करें, समय में अपनों की सेहत को लेकर किसी भी वजह से लापरवाह ना होते चले जाएं। आपके काम की व्यस्तता अपनी जगह है पर सेहत को लेकर लापरवाही करते चले जाना भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के खर्चे बढ़े रहेंगे तो आप अपने पैसे की स्थिति को लेकर चिंतित होते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी बचत इत्यादि भी पर्याप्त नहीं है। जब भी खुद की गलतियों का समय हो तो ऐसी परिस्थितियां उभर सकती हैं जो आपकी जिंदगी की स्थिरता को कम करती चली जाए। क्या करना चाहिए, समूह काम के प्रति आपकी लगन अच्छी है और हालात भी मदद कर रहे हैं पर पैसे की स्थिति कमजोर बनी हुई है जिस वजह से आप कोई बड़े परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि गलती भरा समय है इसलिए कोई भी ऐसा फैसला करने से पहले रुक जाना होगा, सही समय का इंतजार कर लेना ही बेहतर है। क्या ना करें, समूह जल्दबाजी में किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें कोई बहुत बड़ा लाभ छुपा हुआ हो, क्योंकि अभी भी उस दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेने की जरूरत है। समय के साथ इन्हीं विचारों के फलीभूत होने का समय आ सकता है पर फिलहाल किसी रास्ते पर चलने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं।
देखिए, जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। किसी भी रास्ते पर क्यों ना चलना हो, समझ बूझ कर ही चलना है, जल्दबाजी में नहीं आगे बढ़ना है। हमें फिलहाल आगे बढ़ना है धनु और मकर। अब आपका राशिफल जानना है, फिर आपको समझाना है कि आज का दिन कैसा है आपके लिए और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों का भरोसा भी जगा हुआ है और उसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई, यही चीज जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है। ऐसे में लोगों का साथ भी बना रहे तो कुछ भी बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपके प्रति लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, उन कारणों को समझना होगा ताकि उससे छुपी हुई परेशानियों को भी संभाला जा सके। इस समय किसी भी तरह का जोखिम उठाने से भी बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? अपना भरोसा बनाए रखना अच्छी बात, पर खुद की तुलना में लोगों को कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं। इस बात को याद रखें कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, पर ऐसा सोचकर अपने मन में किसी भी तरह का अहम बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए गलती भरा समय और नुकसान हो सकता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात की चिंता है और आभास है कि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। इसी स्थिति में खुद को बचाए भी रखा जा सकता है। क्या करना चाहिए समय? किसी बड़े लाभ की उम्मीद लगाने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को खतरे में टालते चले जाएंगे। आपकी मेहनत से जो लाभ बना हुआ है उसे बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। अगर उसी से संतोष कर लेंगे तो अपने खतरे की स्थिति को संभालना भी आसान हो जाए। क्या ना करें समय में? किसी यात्रा या बदलाव में कोई लापरवाही ना बरतें और खासकर किसी के बहकावे में भी बिल्कुल ना आए। अपनी सूझबूझ से अपनी प्राथमिकताओं को समझेंगे तो वैसे ही कोई गलती नहीं। आपकी प्राथमिकता कहाँ है? अगर आप उसे समझकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कोई गलती नहीं होगी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये साथ बहुत जरूरी है क्योंकि इस साथ में हम अपने ही बारे में नहीं अपनों के बारे में भी जानते हैं और उनको समझने का एक मौका मिलता है। तो कुंभ और मीन राशि अब आपका राशिफल और आपके लिए अचूक टिप्स ज्योतिष गुरु के। कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ बना हुआ है और उस लाभ को सहेजना बहुत जरूरी है। उसके लिए मन में ऐसा भरोसा बनाना होगा जो आपकी सूझबूझ को हर तरह से बनाए रखे। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छी भूमिका बनी हुई है आपके जीवन में जिसकी वजह से हालात आपके लिए संभले रहे। इसी अच्छाई को बनाए रखने से अपने काम और कारोबार की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, पर अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनानी होगी। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को बढ़ाना और बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिना पूरी जानकारी लिए किसी ऐसे काम में हाथ ना डालें जिसके चलते आपकी बचत में किसी भी तरह की कमी आती चली जाए। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति सुंदर बनी हुई है, पर आपको सच्चाई पर नाज होना चाहिए ताकि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन भी बनी रहे। बहुत सारी अच्छाई है लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, इस वजह से इस बात को कहना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? बहुत से लोग आपके खिलाफ हैं या आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए उन चुनौतियों को भी समझ लें। मन को दुखी करते चले जाने से भी आपके प्रदर्शन में कमी आ सकती है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और अपनी चुनौतियों का सामना करना सीखना होगा। क्या न करें समय में? किसी भी अच्छी भली स्थिति को कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आपकी सूझबूझ में और आपकी योजनाओं में कमी आ सकती है। अपने पैसे को भी कहीं फंसाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है, चाहे वो पैसे आपके कामकाज में ही क्यों ना लग रहे, क्योंकि वहां पर भी जरूरत से ज्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं। कहीं पर भी जरूरत से ज्यादा अपना पैसा नहीं फंसाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सवाल लेंगे राजेश कुमार का। 18 सितंबर 1993 सुबह 6:15 इनका जन्म हुआ है, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, तहसील भादरा। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली है, तो नौकरी का योग कब तक है? राजेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की सितंबर 2020 तक। ग्रेजुएशन कर चुके हैं पिछले 2 साल से, जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। देखिए, अभी भी अपनी तैयारी को बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी संभावना हो आगे पढ़ने की तो आपको पढ़ लेना चाहिए, पढ़ाई से जुड़ जाना चाहिए, साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। तो क्योंकि जॉब मिलने का और कैरियर बनने का समय जो है वो अब से 2 साल के बाद, तो इतना जब समय हो तो पढ़ाई में उसकी यूटिलाइजेशन कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात को समझिए और अपने फैसले कीजिए। देखिए, 2 साल बहुत क्रूशियल हैं आपके लिए, इन 2 साल को अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी तैयारी में लगा दीजिए, उसके बाद आपका करियर बनता दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है। थोड़ी सी कसर रह गई है, डट कर मेहनत कर लीजिए, बढ़िया करियर आपका बन जाएगा।
अब आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु के साथ और जानेंगे ये कि जैकपॉट किसके नाम खुलने वाला है आज का। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपने विचारों को इतना सकारात्मक बना लें कि लोग आपकी इस अच्छाई को समझ सकें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें इतना नियमित हो जाएं कि आपकी प्रतिभा उभर कर आए। इस समय किसी भी तरह का अविश्वास बनाना ठीक नहीं है, जो चाहे अपने लिए हो या चाहे लोगों के लिए हो। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि आपको सिर्फ जिंदगी बितानी नहीं है, जिंदगी जीनी है और ये जीना आपको सिखाते रहेंगे ज्योतिष गुरु यूं ही। अगर कोई मुश्किल कोई परेशानी है ईमेल आईडी नोट कीजिए aapketare@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare।